अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3-4 महीने के भीतर केंद्र सरकार ट्रस्ट की स्थापना के लिए योजना तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को मंदिर के लिए सौंपने का फैसला दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि अयोध्या में 5 एकड़ जमीन एक उपयुक्त वैकल्पिक भूखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपने बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक फैसले में कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल के नीचे बनी संरचना इस्लामिक नहीं थी, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह साबित नहीं किया कि मस्जिद के निर्माण के लिए मंदिर को गिराया गया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 संसदीय संविधान पीठ ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर अपने फैसले पर यह टिप्पणी दी है। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसके बोबड़े, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा है कि पुरातात्विक साक्ष्यों को सिर्फ एक सच बताना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रति बहुत ही अन्याय होगा। न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवादित भूमि को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं और मुस्लिम इस स्थान के बारे में यही कहते हैं। हिंदुओं की ये आस्था अविवादित है कि भगवान राम का जन्म स्थल ध्वस्त संरचना है। पीठ ने कहा कि सीताराम रसोई, राम चबूतरा और भंडार गृह की उपस्थिति इस स्थान के धार्मिक होने के तथ्यों को प्रदर्शित करता है और गवाही भी देता है। शीर्ष अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि मालिकाना हक का निर्णय सिर्फ आस्था और विश्वास के आधार पर नहीं किया जा सकता है। ये विवाद के बारे में फैसला लेने के संकेतक हैं। आपको यह भी बता दें कि अयोध्या फैसले पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की पहली प्रतिक्रिया आई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इस फैसले को जय पराजय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अतीत की सभी बातों को भुलाकर हम सभी को राम मंदिर निर्माण में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इस निर्णय को जय पराजय की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। सत्य व न्याय के मंथन से प्राप्त निष्कर्ष को भारतवर्ष के संपूर्ण समाज की एकात्मता व बंधुता के परिपोषण करने वाले निर्णय के रूप में देखना व उपयोग में लाना चाहिए। संपूर्ण देशवासियों से अनुरोध है कि विधि और संविधान की मर्यादा में रहकर संयमित और सात्विक रीति से अपने आनंद को व्यक्त करें। इस विवाद के समापन की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप परस्पर विवाद को समाप्त करने वाली पहल सरकार की ओर से शीघ्रतापूर्वक होगी, ऐसा हमें विश्वास है। अतीत की सभी बातों को भुलाकर हम सभी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण में साथ मिलजुल कर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।